ओम शांति। वर्तमान समय जिस महामारी बीमारी से हम लड़ रहे हैं, और विशेष इस लड़ने के साथ साथ जो हमें सावधानियां दी जाती हैं, अगर हम उस सावधानियों को थोड़ा सा और दूसरे नज़रिए से अगर हम देखने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं ये जो सावधानियां हैं, ये सावधानियां हमारे मन के लिए, या ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे जीवन के लिए ज़रूरी है। थोड़े दिन पहले मैं किसी से बात कर रही थी, तो हम ऐसे ही जब चर्चा कर रहे थे कि बस 2 साल निकल जाए, ये 1 साल कैसे पता चल गया, पूरा हो गया पता नहीं चला, लेकिन ये 2 साल तो ऐसे हो रहा है कि जहाँ देखो वहाँ पर बस अपने आप को सुरक्षित रखने की बातें चल। तो ऐसे ही बात करते करते कुछ बहुत अच्छी बातें निकली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कि जैसे विशेष हम जब ये वायरस से बचने के लिए, एक तो हम हमेशा बात करते सोशल डिस्टेंसिंग की, कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जिसका अर्थ कहते हैं कि आप जब किसी भी व्यक्ति से मिलते हो तो आप उस व्यक्ति से मिलने के समय कहते सोशल डिस्टेंसिंग, अर्थात उनसे 2 गज की दूरी बनाकर रखें, नज़दीक से ना मिले। कहने का भाव, अगर हम यही सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मन के लिए यूज़ करें, तो बात करते करते कितनी अच्छी सुंदर हमारी विचारधारा निकली, कि अगर हम हर व्यक्ति के साथ मन से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कि जो व्यक्ति मेरे सामने है उससे मेरे जो भी कर्म या कार्मिक अकाउंट हो, लेकिन उस व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव मेरे मन के ऊपर ना पड़े। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे ज़्यादातर जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वो व्यर्थ संकल्प का कारण कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के, दूसरी आत्मा के कर्मों का प्रभाव होता है। तो क्या हम आत्मा के कर्मों के प्रभाव से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख सकते? अगर हम वो डिस्टेंसिंग रखना शुरू कर दें, तो हमारे मन की तो कितनी बीमारियां ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात आती है हाथ धोने की। जैसे कहा जाता है हर 20 मिनट में बार बार हाथ धोते रहो, और कहते हैं कि कम से कम आप अच्छे से हाथ धोते हो। कहने का भाव कि हम जब भी हाथ धोते हैं तो सिर्फ हाथ न धोएं, लेकिन जैसे 20 मिनट में बार बार हाथ धोने के लिए कहा, तो क्या अगर हम उसको ऐसे लें कि जितनी बार हम हाथ धोते हैं उतनी बार हम पुरानी बातों से भी हाथ धो लें, कि जो बातें पास्ट हो गई, जो बातें बीत चुकी हैं, भले वो चाहे कितनी भी पुरानी हो, तो 20 मिनट पुरानी क्यों ना हो, लेकिन उससे भी हम अपने हाथ धो लें। और ये सोचें कि हर 20 मिनट के बाद हम अपने मन को रिफ्रेश कर रहे हैं, हम जैसे अपने मन को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, या हम अपने संबंध को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो हर 20 मिनट के बाद जो बातें हुई हो, जो मुझे नहीं पसंद है, जो मेरे मन को तकलीफ दे रही हो, उन बातों से भी हाथ धो लें। फिर तीसरी बात आई थी सैनिटाइज करने की। सैनिटाइज करने की बात आई, अर्थात कि बार बार हम अपने हाथों में सैनिटाइज का प्रयोग करें। तो सैनिटाइज का प्रयोग करने अर्थात कि जब भी बाहर जाते हैं तो हम सैनिटाइज को साथ में रखें और मास्क लगा कर रखें। कहने का भाव, मास्क जब मुंह पे लगाते हैं तो वैसे तो हंसी की बात है, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि जब भी मास्क मुंह पे लगाते हैं ना, हम थोड़ा कम बोलते हैं, या जहाँ बोलना होता है तो भी थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन हमारी वाचा थोड़ी कम हो जाती है। जब मास्क नहीं लगा होता है तो बहुत ज़्यादा ही बोल लेते हैं, थोड़ा फ्री हो जाता है। तो अगर यही मास्क हम मुंह पे लगा के रखें कि मुझे जब भी बोलना है, जो बोलना है, लेकिन फिल्टर करके बोलें, ऐसे बोलें कि जो किसी को दर्द तो ना पहुँचे, लेकिन सबको सुख दें। अच्छा, सुख भी ना दें तो कम से कम जितना ज़रूरी है उतना ही बोलें, और बाकी बातों को अवॉइड कर लें। तो अगर हम ये भी अटेंशन दें, तो भी मुझे लगता है कि मेरे हमारे कितने
संबंध और हमारी कितनी परेशानियाँ जो है वो शायद आधी तो नहीं लेकिन बहुत कम हो जाएगी, आधी से भी ज़्यादा। और फिर उसके बाद बात आती है कि घर के अंदर ही रहने की, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम अर्थात घर के अंदर तो रहना लेकिन घर में रहकर काम करना, अर्थात कि मैं जब भी कोई कार्य करूं तो उस कार्य करते हुए मेरा मन ज़्यादातर इस बाहरी दुनिया के बारे में ना सोचते हुए अपने अंदर अपने मन की स्थिति के बारे में हम सोचें। और वर्क फ्रॉम होम का अर्थ है होम माना शरीर। ये शरीर आत्मा का एक घर है और जब भी मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कोई भी कार्य करूं तो मैं अपने आत्मा को इस घर के अंदर विराजमान हो करके कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये कार्य कर रही हूँ, इस संकल्प के साथ मैं कार्य करूँ। कितनी सुंदर बात है ना। और फिर उसके बाद आती है लास्ट वैक्सीनेशन। जैसे आजकल हम सबको देखते हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादातर प्रेरित करती है वैक्सीनेशन के लिए, तो वैक्सीनेशन में क्या करते हैं हम, ऐसा केमिकल और अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं कि जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और इसीलिए वैक्सीनेशन जब लेते हैं तो कहते हैं थोड़ा बुखार होता है किसी किसी को, क्योंकि वो जो केमिकल है वो हमारी बॉडी में सेट हो रहा होता है और इसलिए उसके बाद हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है जिससे वो वायरस जो है वो हमें इफ़ेक्ट नहीं कर पाता। तो ये वैक्सीनेशन हमारे लिए है भगवान की याद, या ये कह सकते मेडिटेशन, या ये कह सकते कि एक वो प्रोसेस जहाँ हम पॉजिटिविटी को अपने अंदर ज़बरदस्ती डालते हैं, जिसको हम वैक्सीनेशन करें, पॉजिटिव वैक्सीनेशन। और जब ये पॉजिटिव वैक्सीनेशन करते हैं तो देखा जाते हैं कि कई बार नेगेटिविटी बाहर निकलती है, हमारे मन के अंदर थोड़ी हलचल होती है, लेकिन उस हलचल को थोड़ा सा स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स रहें, पेशेंस रखें। अगर हम पॉजिटिविटी को फिर भी पकड़ करके रखेंगे, हम अपने मन को फिर भी स्थिर रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर जो एक पॉजिटिव चेंज हमने लाना शुरू किया है, एंड आई एम श्योर कि वो पॉजिटिव चेंज हमारे जीवन को और हमारे संबंधों को भी ज़रूर बदलेगा, और बदलते हुए हमारे जीवन संबंधों को एक ज़रूर नई दिशा देगा। तो इसी आशा के साथ हम सब मिलकर के ज़रूर अब हम ये मन का वैक्सीनेशन शुरू करेंगे, और साथ साथ हम अपने आसपास के लोगों को, आसपास के सभी को भी हम मदद करते हुए सबसे पहले हम अपने आप को इस सेफ्टी से बचा कर रखेंगे कि अब हमें कोई नेगेटिव वायरस हमारे मन को हार्म नहीं कर पाए, लेकिन और ही हम अपनी पॉजिटिविटी को स्ट्रॉन्ग करें। ओम शांति।